हेलो वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल लेट इस डिस्कस द टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज ए एग्रीकल्चर प्रोसेस दैट यूज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट तो इस तरह की फार्मिंग है इस तरह का एग्रीकल्चर का प्रोसेस जहाँ पर हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो एनिमल या प्लांट वेस्ट से एक्वायर किए गए होते हैं उनसे बने होते हैं सो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली इनिशिएट किया गया था एज ए आंसर जब इन्वायमेंटल सफरिंग्स बहुत हो रही थी जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म पहुँच रहा था तो उसके आंसर के लिए ये इनिशिएट किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक न्यू सिस्टम है फार्मिंग या एग्रीकल्चर का जो मेंटेन करता है रिपेयर करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्प्रूव करता है सो so, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ग्रीन लीफ मैन्यूर्स यूज़ करते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट बायो फर्टिलाइजर एनिमल हस्बेंड्री बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं सो लेट इज डिस्कस द एडवाटेजेस इकोनॉमिकल सबसे बड़ी एडवांटेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि कोई एक्सपेंसिव फ़र्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स एच एच वाई वी सीड्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होता है देन गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चीप और लोकल इनपुट्स यूज़ करके भी एक फार्मर बहुत ज़्यादा गुड रिटर्न ला सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट में हाई डिमांड, तो देर इज़ हीज़ डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब जो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करती हैं थ्रो एक्सपोर्ट न्यूट्रिशनल तो जितना हम कम केमिकल और फर्टिलाइजर यूटिलाइज प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके कंपेयर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत न्यूट्रिशनल होते हैं टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली तो जैसे हमने बोला ये इनिशिएटिव इसलिए हुई थी कि जो इन्वायमेंटल सफरिंग्स है उनको कम किया जाए तो ये बहुत इन्वायमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स से फ्री होते हैं और वो इन्वायमेंट को हमारे सराउंडिंग्स को कोई हार्म नहीं करते हैं देन बट स्टिल दे आर सब डिसडवाटेजेस इनकॉम्पिटेंट तो जो मेजर इशू है ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी मार्केटिंग में कमी होना शॉर्टेज शेल्फ लाइफ तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो बिना किसी केमिकल बिना किसी फर्टिलाइजर पेस्ट इसके बने हैं तो उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बाकी एज कंपेयर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स से बहुत कम है लेस प्रोडक्शन तो प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से होते हैं मतलब हम स्टार्टिंग ईयर्स की बात करें एज कम्पेयर टू केमिकल उन बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन थी तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था लास्ट के प्रोडक्शन करना और वो इनकम जनरेट करना और लिमिटेड प्रोडक्शन भी है इसकी क्योंकि ऑफ सीजन क्रॉप जो होती है वो लिमिटेड होते हैं और बहुत फ्यूअर ऑप्शन है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में so अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिस मतलब जिसमें हमें सारे अन नेचुरल केमिकल्स को अवॉइड करना है इस प्रोसेस ऑफ फार्मिंग में जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो भी यूज़ करते हैं हम वो सारे नेचुरल सोर्सेज से बने होते हैं जैसे बोन मील या ब्लड मील इस टाइप से और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड करती है इंटीग्रेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि पेस्ट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को मिला के ताकि हम जो इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है डिमांड्स है उनको अचीव कर सकें सो so, इस तरह से हम बात करें अगर मीनिंग एंड नीड ऑफ़ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जो ग्रीन इनपुट्स यूज़ करते हैं ग्रीन मैनुअल्स काउडंग एंड द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फर्टिलिटी जो सॉइल की उसको कम कर देता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल जो है सॉइल एयर पोल्यूशन बढ़ाता है इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए फार्मिंग इन एक्सपेंसिव है और इंक्रीज डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ड्यू टू सेफ्टी ऑफ फूड जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सो so बेनिफिट्स की बात करें तो इको फ्रेंडली है इन्वायमेंट फ्रेंडली है हेल्थियस्ट एंड टेस्टियस्ट फूड है इनकम जनरेट करता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और इन एक्सपेंसिव प्रोसेस है जैसे कि हम बता सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करता है एक्सपोर्ट के द्वारा हम बहुत सारे इनकम जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है बट येट दे आर स्टिल लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि इसका आउटपुट जो है वो कम है प्राइस थोड़ा सा हायर है अवेयरनेस इतनी नहीं है और शॉर्टर शेल्फ लाइफ है क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जनरली एक हायर प्राइस डिमांड करते हैं क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल तरीके से बने और बहुत हेल्दी होते हैं और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है बट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो शॉर्टर है क्योंकि उसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया होता है लेट इस कंक्लूड दिस वीडियो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर प्रोसेस जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज़ करता है जो नेचुरल रिसोर्सेस से बने होते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएट किया गया था उस इन्वायरमेंट और सफिंग को जवाब देने के लिए जो हमें केमिकल सब्स पेस्टिसाइडर सेंथेट्रिक फर्टिलाइजर्स की वजह से ही हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा था थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब